चलिए भाई नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस में क्या हाल चाल है भाई सभी के सब बढ़िया एकदम तगड़ा चल रहा धर्मवीर सिंह जी राम राम भाई सभी को राम रवा सभी को जय महाकाल तो आज हम लोग बात करेंगे महाकाल बैच में नंबर सिस्टम को ही और आगे लेकर जाएंगे और आज हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि अगर मैं लेखपाल की बात करूंगा या फिर हम यूपी त्रिपल अस्सी की बात करेंगे तो यूपी त्रिपल अस्सी में किस हिसाब से हमारे पास जो था आपके पास सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन पूछे जाते थे हम सारे टाइप्स कवर करेंगे और सारे टाइप्स के साथ ही साथ कुछ बढ़िया लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो आपके पास यहां पे क्वेश्चन आएगा हाँ कृष्ण कुमार वर्मा जी बच्चा सिलेबस आपका टाइम पे खत्म होगा तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि क्लास 40 मिनट चल रही है या 10 मिनट चल रही है या 20 मिनट चल रही है बच्चा पूरा सिलेबस टाइम पे खत्म होगा आपको पर डे जो होगा एक टेस्ट भी देखने को मिल रहा होगा आपके टेस्ट वाले सेक्शन में जब आप पेड कोर्सेज के अंदर अपने टेस्ट वाले सेक्शन में देखेंगे तो आपको एक टेस्ट भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी बात यह भी है कि आपको यह भी चीज आप पता होगा ये टेस्ट पर डे सुबह ग्यारह बजे एक टेस्ट खुल जाता है और यह टेस्ट चलता रहेगा आपके लिए और बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से आपके पास क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे ठीक है तो सिंप्लीफिकेशन को समझते हैं कि क्या क्या सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे और क्या क्या चीजें आपके पास आ रही होंगी सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें और कुछ बेसिक फॉर्मूले को समझिएगा सिंप्लीफिकेशन अपने आप बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी और सिंप्लीफिकेशन को समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा सबसे पहला फॉर्मूला क्या है अगर आपसे सिंपल सा फॉर्मूला आएगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो आप आराम से जब स्कवायर प्लस टू ए बी ये ए प्लस बी का स्क्वायर होता है जो कि सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास यूज होता है अब एक बात मन में आ जाएगी दिमाग से नंबर सिस्टम का ही पार्ट कर रहे धर्मवीर बच्चा नंबर सिस्टम का ही पार्ट करे सिंप्लीफिकेशन करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन करेंगे सब करेंगे ठीक है अब हमारे मन में एक बात आ गई कि सर अगर ये प्लस बी स्क्शन में पढ़ रहे हैं तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं तो आप लोगों को याद है क्या वो वाला क्वेश्चन जब ऊपर हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा होता था और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा होता था मतलब ऊपर उसने कोई वैल्यू दे रखी होती थी कि थ्री पॉइंट फाइव इंटू थ्री पॉइंट फाइव प्लस टू पॉइंट फाइव इंटू टू पॉइंट फाइव प्लस ऐसे करके और हम मान रहे थे कि थ्री पॉइंट फाइव हमारे पास ए था हम मान रहे थे कि टू पॉइंट फाइव हमारे पास बी था और हम फिर इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर रहे थे ठीक है भाई चलो तो ये पहला टाइप आपको समझ में आया जो पहला फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है इसको आपको क्लियरली देखने को मिलना होगा अब हम सिंप्लीफिकेशन के लिए जो दूसरा फार्मूला और महत्वपूर्ण फार्मूला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ये दूसरा और एक बेहतरीन फॉर्मूला पढ़ेंगे एक अच्छा क्वेश्चन है हम तीसरा अगर फॉर्मूला जानते हैं इसमें तो वो हमारे पास आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वो क्या होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी अब ये जो स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं ना ये तीनों के तीनों फॉर्मूले बड़े महत्वपूर्ण है भाई पूरे में ये बार 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 कहीं कहीं ना कही, किसी ना किसी तरीके से पूछा जाएगा और अगर हम यूपी की परीक्षाओं की बात करेंगे तो यहां पर आता आता चाहे कुछ भी कर लीजिए अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं थोड़ा सा इसको आप लोग अगर नोट कर लीजिए तो अपने नेक्स्ट वाले चीजों पर आते हैं और फिर हम बात करते हैं हमारे पास जो क्यूब वाले फॉर्मूले होते हैं उसको हम लोग कैसे कर पाते नोट हो गया भाई सभी का अभी भैया सिंप्लीफिकेशन पहले पढ़ाएंगे तब ना रिकॉर्डेड क्लास दादा ऐप पे जाए ऐप पे जाएगी बिना पढ़ाए ही रिकॉर्डेड क्लास ऐप पे कैसे डरवा दे ये कौन सी मोहम आया में आ गया है भाई युवाज आइए क्यू वाले फॉर्मूले ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यूब प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी यहां से भी डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते ये भी हमें कैलकुलेट करके लेके चलना है ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी ये ए माइनस बी का होल क्यूब होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी क्लियर है अगला आ जाओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी अगले वैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये और ये फॉर्मूले में डिफरेंस है भाई यहां फॉर्मूले में ए प्लस बी का होल क्यूब कहता है और यहां पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब अलग अलग कह रहा है अगले पे आ जाइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बस इतने फॉर्मूले हैं ज्यादा नहीं इतने पे आपको हो गया ये आराम से कर पाएंगे भाई व्याषेक कुमार जी लड्डू भाई क्या हाल चाल है समझ पाए क्या हम इस सारे फॉर्मूले को अब इसको याद करने का तरीका देखिए अगर एक क्यूब माइनस बी क्यूब आता है तो यहां पे तो डायरेक्ट माइनस कर देंगे लेकिन बाकी के फॉर्मूले में हम हर जगह इसको प्लस लेकर चलेंगे ठीक है और इसमें वही चीज उल्टा करेंगे अब नोट करिए मैं सीधे आपको क्वेश्चंस पे हमला करवा देता हूं और सीधे सीधे मैं आपको क्वेश्चन दिखवा देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज के हमारे पेपर्स में आ रहा है और आप यहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन को करेंगे चलो हो गया नोटेड भाई सबका आइए अब आते हैं सीधे हम क्वेश्चन के ऊपर एक्सरसाइज भी अभी ना बिल्कुल अभी बिल्कुल एक्सरसाइज भी बच्चा मिलेगा टेस्ट आप अभी दीजिए हम आपको धीरे 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 एक्सरसाइज भी देना शुरू कर देंगे अभी जानते हैं सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी हमारे पास कोई एक्चुअली में पूरा कंप्लीट सिलेबस पता नहीं है इस वजह जैसे यूपीजे के आना ही आना है तो मैं यूपीजे के लगातार क्लासेस करवा रहा हूं उसमें कोई गैप नहीं है एक बजे लगातार क्लास चल रही है इसके अलावा हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये सब आना ही आना इसकी भी लगातार क्लास चल रही है ग्रामीण प्रवेश कुछ नहीं तो दस पांच नंबर का आना ही आना इसके लिए इसलिए भी लगातार क्लासेस चल रही है बस मैथ में मैं चैप्टर इस वजह से नहीं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ सबसे बड़ा रीजन है कि सिलेबस आया नहीं है और हो सकता है कि मैथ्स में आपको सिलेबस उसने कंसाइज कर देना हो क्योंकि कंप्यूटर अगर पूछेगा तो कहीं ना कहीं किसी के नंबर कम करेगा और उसने ये भी चांसेस कह रहा था कि भाई हो सकता है इंग्लिश भी पूछे तो अगर इंग्लिश और कंप्यूटर अगर आपके इसके पाठ्यक्रम में जोड़ेगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं मैथ के क्वेश्चन को कम करेगा या आपके यहाँ पे जो अलग चीज होगी या ग्रामीण प्रवेश होगा उसके चीजों को कम करेगा अब मैथ में क्वेश्चंस को कम तभी किया जा सकता है जब मैथ में चैप्टर्स वो डिसाइड करके बता दे जैसे यूपी की परीक्षा में हुआ था कि सिर्फ चार से पांच चैप्टर थे और उसी में से क्वेश्चंस आने थे क्योंकि वहां पे इंग्लिश भी थी रीजनिंग भी थी और आपकी अलग से कंप्यूटर भी जुड़ रही थी तो इस वजह से मैं चैप्टर्स को थोड़ा सा स्टार्ट करने से डर भी रहा हूं कि अगर मैं आपको पढ़ा दू आपका समय भी खत्म हो जाए उसमें हो जाए और आपको देखो अगर मैं पढ़ाऊंगा लगातार तो यूपीजी की भी क्लास चल रही है आपके लिए हिस्ट्री की भी क्लास शुरू होने वाली है पॉलिटी शुरू हुई हो ही गई है आपकी ग्रामीण परिवेश की भी किताब का क्लास चली रही है इतनी सारी सारी क्लासेस चल जाएंगी एक तो आप आप रिवाइज नहीं कर पाओगे सारी चीजों के और ऊपर से आप वो एक्स्ट्रा पढ़ लोगे जो पेपर में आपके आएंगी नहीं तो बस अगर हम धीरे धीरे इस वजह से मैथ को लेकर चल रहे कि अगर कहीं बोर्ड ने जाके आगे ये कह दिया कि भाई जो है हमारे पास ये चैप्टर नहीं आना है ये चैप्टर नहीं आना ये चैप्टर नहीं आना तो हमें यह ना सोचना पड़े कि हमने बच्चों का समय क्यों बर्बाद कर दिया अब ऐसा नहीं कि वो चैप्टर्स अगर हम आपको नहीं पढ़ाएंगे तो वो किसी परीक्षा में नहीं आएगा आएगा तो सभी परीक्षा में लेकिन समय इस वजह से बर्बाद हो जाएगा क्योंकि आपका जो मेन टारगेट है वो टारगेट है अगर हम उसके उसको नहीं कंप्लीट करेंगे तो फिर क्या ही फायदा होगा हम एक घंटा का डेली आपको रगड़े जा रहे हैं डेली पढ़ाए जा रहे हैं ठीक है तो बस यही एक बड़ा रीजन है कि मैं की क्लासेस को रेगुलर नहीं कर रहा आप बुरा मत मानिएगा ऐसा मत सोचेगा कि लेखपाल पे ध्यान सर जी का कम है अगर मेरा लेखपाल पे ध्यान कम होता तो मैं यूपी जी की क्लास क्यों लगाता सिर्फ ग्रामीण प्रवेश की क्लास लगवाया रहता और आपको पढ़वाया रहता कि पढ़ो भैया ले पढ़े पे पढ़ो कुछ नहीं कहते आप क्योंकि आपको पता है कि सर ग्रामीण प्रवेश तो चल ही रहा है ऐसा तो है नहीं कि कोई भी क्लास नहीं चल रहा मैं पैसा लेके बैठा हूं आज आज हमने पॉलिटी भी शुरुआत कर दी कि दिन में दो बजे से पॉलिटी भी शुरुआत हो जाएगी तो एक बजे यूपी जी के पढ़ो दो बजे पॉलिटी पढ़ो पांच बजे मैथ्स पढ़ो और आपको बजे ग्रामीण प्रवेश पढ़ लो अब मैं बहुत जल्द आपके लिए हिस्ट्री भी शुरुआत कर दे रहा हूं कि आप हिस्ट्री भी पढ़ डालो पूरा का पूरा तो आखिर क्यों कर रहे हैं इस वजह से ताकि आपको नुकसान ना हो आपने साढ़े सात सौ रुपया दिया और हम इस साढ़े सात सौ यहाँ आपको साढ़े सात हजार तक का भी मेटेरियल प्रोवाइड करेंगे जितना टीचर खर्चा आएगा वो एमडी क्लासेस का खर्चा है लेकिन हाँ फिर भी आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए टाइमली और सब कुछ होना चाहिए आप तो समझ ही रहे हो अभी योगी सरकार है चाहे कोई भी सरकार हो इलेक्शन है तो चुनाव है और आपको पता है इसकी वजह से पेपर होंगे ही होंगे चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कंफर्म अभी तक ये भी दिक्कत आ रही है कि अभी तक उन्होंने पाठ्यक्रम नहीं दिया अगर पेपर करा भी देंगे तो कैसे हो पाएगा हो सकता है यूपी ट्रिपल त्रिपलिस पेट की तरीके से ही करा दे मतलब इसमें भी तुरंत एक महीने पहले आपको सिलेबस दे एक महीने पहले आपका फॉर्म वर्म करवा दे सब करवा दे और एक महीने बाद तुरंत पेपर ले ले कोई भी ताकत पे तो ऐसे भी हो जाएगा हिंदी की क्लास इस वजह से रुकी हुई क्योंकि सर की शादी थी कल हिंदी वाले सर की इस वजह से रुकी हुई अदरवाइज वो भी जैसे ही तारीख को अवेलेबल होंगे वो भी क्लास आपके लिए शुरू हो जाएगी ठीक है एकदम 100 परसेंट होकर आप जाओगे इस बात को मैं गारंटी दे सकता हूं 100 हम प्रैक्टिस सीट भी स्टार्ट इस कर करें पिछले हफ्ते में लेखपाल का कोई टेस्ट नहीं करा था और अभी हम इस बार लेखपाल का टेस्ट करना शुरू करेंगे यानी इस संडे हम लेखपाल का टेस्ट करेंगे दिन में तीन बजे या बारह बजे आपको एक उसके थ्रू बता दिया जाएगा है ना तो हम लोग टेस्ट करेंगे बाकी अब आप इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करो कि ये क्लासेस होंगी वो क्लासेस नहीं होंगी आप वैक्चुअली में जितने बैचेज हमने शुरू करें हाँ यूपीएसआई का थोड़ा सा हमारा एक्सपीरियंस खराब रहा मैं इसको बिल्कुल भी मानता हूं और यूपीएसआई वाले बच्चे जो भी बुरा भला कहते हैं वो सुनते भी हैं हम लोग बिल्कुल भी सुनते हैं हमने कई सारे बच्चों के यहाँ तक के जो पैसा था वो भी रिटर्न कर दिया उन्होंने कहा कि सर मुझे रिटर्न कर करो हमारे पास ये इशू है वो इशू वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें तो हम 60 परसेंट उसको लेस कर देते हैं रीजन इसी होता है क्योंकि 18 परसेंट जीएसटी देना बाईस परसेंट ऐप का खर्चा देना बहुत सारे खर्चे निपटाने बाद जो आपके पास फोर्टी जो जो सेविंग्स जाती है होने उसको हमने लौटा दे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है नहीं समझ में आया तो इसको रिटर्न ले लीजिए वैसे कभी भी कोई भी कोर्स की फीस रिटर्न नहीं होती इस चीज को ध्यान रखिएगा आप भी किसी भी कोचिंग में कहीं पे भी कोई भी चीज की फीस रिटर्न नहीं होती है आपको पता है कि किसी दुकान पे भी जाएंगे तो होता नहीं है वो क्या करेंगे आप लेकर जाओगे तो वापस करने तो आपको उतने ही रुपए या फिर उससे ज्यादा रुपए का कोई दूसरा सामान ले लो ये चीज करी जाती है तो अगर हो सकता कि आपको लेखपाल ना समझ में आ रहा हो या हो सकता है यूपी सरकार ने लेखपाल की वैकेंसी ना निकाली कुछ भी हो सकता अभी है ना अगर ऐसा कुछ होता कि लेखपाल की वैकेंसी ना निकाली या लेखपाल आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसके लिए आपको दूसरा कोर्स अवलेवल करवा देंगे कि भाई लो ये रेलवे का आपने फॉर्म भरा होगा रेलवे में ऐड हो जाओ किसी ने कहा सर हमने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा तो हमने कहा हमारा वो भी बैच आ रखा उसमें ऐड हो जाओ तो हम बिल्कुल करवा देंगे इसमें कोई चिंता मत करना कि अब हम फंस गए या फिर हम जो है लेखपाल का पेपर नहीं होगा तो हमारा पैसा फंस गया हमने फालतू का कोर्स ले लिया पेपर नहीं हो रहा है या पाठ्यक्रम नहीं आ रहा है इसकी कोई चिंता की बात नहीं है ठीक है हमेशा साथ है हमेशा साथ रहेंगे और जबरदस्त तरीके से रहेंगे सिलेबस को खत्म करवाना अच्छे तरीके से खत्म करवाना उसकी सभी चीजों की पीडीएफ देना उसकी सभी चीजों का टेस्ट देना सभी चीजों को वर्कशीट देना ये हमारा काम है और इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं ठीक है एकदम क्लियर हो गई बात हाँ हिंदी की क्लास भी सर की बस शादी इस वजह से नहीं हो रही है अब आपने ये छह जो सात फॉर्मुले हैं इसको पूरे अच्छे तरीके से आपने देख लिया अब इसके ऊपर आते हैं हम क्वेश्चन कि अगर हम बेसिकली क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दें तो हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते तो जो सबसे पहला टाइप वाला क्वेश्चन है जो कि यूपी त्रिपरअसी में ज्यादातर पूछा जाता है और पिछले साल के लेखपाल में भी ये यह हुआ ऐसा ही क्वेश्चन आया था जो कि ये वाला है इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो कहता है कि और बड़ा आसान सा होता है आप में से हर बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है कोई बड़े दिक्कत नहीं है पंद्रह छह सौ बारह प्लस रूट में एक सौ चौवन और प्लस दो सौ पच्चीस इसकी एक्चुअली में वैल्यू इन सभी ऑप्शन में से क्या आ रही होगी सोचो जरा सा क्या लगता है और 125 सबसे पहले मोहम्मद औसाफ ने आंसर दिया शायद बिल्कुल सही भी है इसकी वैल्यू 15 आ जाएगी ठीक है सबको पता कि 15 का स्क्वायर एक सौ होता है और 15 प्लस एक जैसे मैं करूंगा तो ये एक आ जाएगा अब एक जब 12 आएगा तो 13 आएगा और 13 में जब मैं यहां पे 15 612 जोड़ूंगा पंद्रह छह सौ बारह और तेरह तो पंद्रह छह सौ पच्चीस होगा जो कि किसका स्क्वायर होता है एक सौ पच्चीस का होता है अब एक सौ पच्चीस का भी स्क्वायर निकालना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान है क्योंकि आपको पता हम वो सभी नंबर का स्क्वायर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं जिसके लास्ट में हां वो हम सभी नंबर के जो स्क्वायर सबसे आसानी से निकाल सकते हैं जिसके लास्ट में पांच हो अब कैसे निकाल सकते हैं पांच का स्क्वायर तो पच्चीस होगा ही होगा बारह के बाद अगला नंबर आता है तेरह तेरह गोड़े बारह करोगे एक सौ बासठ आ जाएगा यानी ये आपका बिल्कुल एक सौ बारह आ जाएगा एक सौ छप्पन आएगा है ना तेरह दून छब्बीस तो ऐसे निकाल सकते हो तो मतलब जो भी नंबर लिखा होगा उसी के अगला आ रहा नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये, कि ये टाइप सबसे पहला जो है हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है और ये टाइप जैसे ही आते हैं हमें इन्हें तुरंत सॉल्व करना होता अदरवाइज हमारे लिए मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं अब हम आते हैं अपने दूसरे टाइप पे जो सिंप्लीफिकेशन की जान है और यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं वो है बॉडमास का अब बॉडमास के क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करिएगा इनको बहुत अच्छे से समझिएगा अदरवाइज आप बहुत ज्यादा गलती करे जाते हैं और इसको समझना भाई बी का मतलब होता है ब्रैकेट लेकिन उससे पहले आता है आपके पास वी बॉडमास सिर्फ बॉडमास नहीं होता है बॉडमास हमारे पास पहले के जमाने में पढ़ाया जाता था लेकिन अब होने लगा है वी बॉडमास

फिर जहां हमें ब्रैकेट दिखेगा हम वो सॉल्व कर लेंगे फिर ऑफ का साइन सॉल्व करेंगे ऑफ का मतलब का दो का पच्चीस प्रतिशत तो ऑफ साइन करेंगे यानी कि का को सॉल्व करेंगे फिर हम यहां पर डिवाइड का, का काम करेंगे फिर हम मल्टीप्लाई का काम का करेंगे फिर हम एडिशन वाला काम करेंगे और फिर हम सेक्ष, वाला काम करेंगे बच्चा अगर हम इस लेवल से आगे नहीं बढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चन को लगाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा ठीक है अब इसके ऊपर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाता हूं पहले आप लोग क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए नहीं आएगा तो फिर मैं तो हूं ही मैं आपको बताऊंगा ही कैसे हम कर पाएंगे ठीक है करिए भाई चलो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि यहां पे हमें वर्णाकुलम देखने को मिल रहा है और वो हमारे लिए काफी ज्यादा इजी है वर्णाकुलम सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे और वर्णाकुलम को सॉल्व करने से पहले हम सिर्फ और सिर्फ यहां पे बीच वाली वैल्यू देखते कि वो क्या है आगे से कोई भी मतलब नहीं यही तुरंत ब्रैकेट लग जाएगा यानी सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करोगे तो दो और एक तीन आएगा और तीन से तीन को डिवाइड करोगे तो एक आ जाएगा और दो और एक तीन आएगा और तीन में से एक घटा दोगे तो दो आ जाएगा आगे चार का भाग था आ गया दो इसे एक का कृष्णा का और मोहम्मद औसाफ का इन सभी बच्चों का दो आ रहा है जो कि बड़ी अच्छी बात है और अच्छे तरीके से क्वेश्चंस भी कर पाए क्लियर है भाई सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है क्या हम अपने अगले वाले स्टेप के ऊपर चलें मतलब हम थोड़ा सा ये समझ पाए कि वर्णाकुलम क्या होता है या वन्ना कुलम के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं हम ये बात तो कम से कम समझ पा रहे हैं बिल्कुल समझ पा रहे हैं ना अब आते अगली चीज सिंप्लीफिकेशन को और हम अगले लेवल पर लेकर अगर जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन हो हमेशा बॉडमास को दिमाग में रखकर ही चलना है अदरवाइज दिक्कत हो जाएगा बॉडमास सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ो अब ब्रैकेट सबसे छोटा भाई यहां लगा यानी हमें डिवाइड पूछे ना पूछे कुछ भी कहे ना कहे हमें सबसे पहले ये ब्रैकेट ही सॉल्व करना है चार आ गया अब ये मझला ब्रैकेट है यानी हमें इसके अंदर सोल्व कर लेकिन इसके अंदर कई सारे साइन है डिवाइड है मल्टीप्लाई है और माइनस है तो डिवाइड मल्टीप्लाई और माइनस में कौन सा करेंगे डिवाइड मल्टीप्लाई और माइनस में सबसे पहले डिवाइड करोगे ना यानी सबसे पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करोगे ना फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे तो सात तो ना सात सात छियालीस में से चार घटा लोगे तो आपके पास अड़तीस आ जाएगा और अड़तीस में पांच या पंद्रह हम जोड़ेंगे तो आठ पांच तेरह तीन एक चार एक पांच यानी तिरपन जिसका आ रहा होगा वो सही हो जाएगा और सबसे पहले मोहम्मद औसाफ का कृष्ण कुमार वर्मा का इसको भी लेते जाइए भैया और अभिषेक कुमार जी का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ठीक है तो हम बॉडमास रूल का सही सही प्रयोग जान गए कि कैसे कैसे क्या क्या प्रयोग होता है बॉडमास का और कैसे कर पाते हैं लेकिन सिर्फ बॉडमास की सीमाएं यहीं तक बद नहीं है कि आपको यहीं तक के क्वेश्चन समझ में आ गए और आप बॉडमास के राजा हो गए बस आपको दुनिया में कुछ करना नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी खुद को समझिएगा नहीं ये बॉडमास बड़ी जो है खतरनाक सी चीज है और इसका जो एग्जामिनर होता है वो बड़ा खतरनाक उपयोग भी करता है जैसे ये क्वेश्चन देखो मैं सब आपको वो पूरा का पूरा वो करा रहा हूं जो यूपी ट्रिपल सी पूछ सकता है मैं एक भी चीज ना सिलेबस के बाहर से करा रहा हूं और ना मैं एक भी चीज ऐसा करा रहा हूं जो नहीं आ सकता और ये हंड्रेड परसेंट गारंटी जितना कराया उतना ही आया चलो पांच बटे आठ प्लस एक बटे दो गुड़े पांच बटे आठ माइनस बटे सोलह क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो और चुटकियों में क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे देखो भाई अब देखो हमें पता यार मुझे सबसे पहले ये ब्रैकेट उड़ाना है चाहे जैसे भी करना है और कैसे करूंगा छह बटे सोलह लिखा है ना अब या तो ब्रैकेट को सॉल्व करके एल्सम लेके इतिहास रचो या तो डायरेक्टली एक काम ये कर दो यहां पे दो का मल्टीप्लाई यहां पे दो का मल्टीप्लाई क्यों ताकि अगर ये सोलह है तो यहां भी सोलह आ पाए तो पांच दुनी दस बटे सोलह माइनस छह बटे सोलह तो ये चार बटे सोलह आ जाएगा ये ब्रैकेट वाली चीज़ें तो पांच बटे आठ प्लस एक बटे दो इंटू चार बटे सोलह दो दुनी चार दो अटे सोलह पांच बटे आठ प्लस एक बटे आठ यानी कि छह बटे आठ यानी कि दो ते छो चौकाठ बोलो जय सियाराम ऑप्शन नंबर टी डी आ रहा है औसाफ कृष्ण कुमार जी पंकज जी अभिषेक जी अन दिलीप का सभी का डी आ रहा है तो ये एक और भी अलग लेवल की रूप लेके भले क्वेश्चन आसान है लेकिन अब हमने अभी तक फ्रैक्शन में पढ़ा नहीं था तो हम पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन देखते हैं या अगर लड़कियां ऐसा क्वेश्चन देखती हैं तो उनके प्राण पखेरु वहां से निकलना शुरू हो जाते हैं और वो विश्वास ही नहीं कर पाती कि ऐसा भी क्वेश्चन हम कभी इस जिंदगी में सॉल्व कर पाएंगे लेकिन बिल्कुल कर सकते हो अगर थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा रखोगे तो आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो अब एक और भी ऐसे क्वेश्चन पर चलते हैं जहां पर मुझे ऑफ भी दिया हुआ है डिवाइड भी दिया हुआ है और मल्टीप्लाई भी दिया हुआ है अब यहां पर आपको एक चीज ये फोकस करना है कि हमने बॉडमास के बारे में बात करी है ना और बॉडमास में डिवाइड से पहले ऑफ वाला साइंस करना होता है ना कि पहले डिवाइड वाला सबसे पहले ऑफ वाला साइन को सॉल्व करोगे ऑफ वाला साइन को सॉल्व करोगे फिर डिवाइड के ऊपर जाएंगे तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही तो होता है नौ बटे आठ एक ब्रैकेट में डिवाइड दो बटे तीन इंटू तीन बटे चार तीन से तीन काटा दो दुनिया चार काटा चार दुनिया आठ काटा तीन तरीक का नौ काटा तीन बटे दो को मैं डिवाइड कर रहा हूंगा एक बटे दो से ये तो अंदर की बात आ गई अब बाहर जरा देखो बारह चौकअतालीस यानी कि चार गुड़े इतना आ रहा है अब आपको पता जैसे इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे ये उलट जाएगा और दो से दो कट जाएगा चारिया बारह एकदम सही आंसर आ जाएगा आया सभी का बारह आया भाई एक बार देख लो और ये बता दो क्या बारह पूरी जनता का आंसर आ रहा है और कैसे आ रहा है ये बात हम कर पा रहे हैं बिल्कुल कर पा रहे हैं बिल्कुल बढ़िया से कर पा रहे हैं ठीक है कॉन्सेप्ट को समझे बिल्डअप कर पाए अब हमारी गलती क्या होती है हम सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करने लग जाते हैं और क्वेश्चन में ऐसे दे भी देता है ना कि हमें लगता है यार यही दोनों करना है लेकिन वो नहीं करना सबसे पहले हमें बॉडमॉस के हिसाब से ऑफ वाला साइन को निपटाना है यानी ये का ऑफ ये निकालना है ये का ये निकालना फिर दोनों का डिवाइड कर देना और अगर लिखा हुआ है पांच बटे दो तो मैं इसको क्या पांच बटे दो लिखता हूं और ये चीज मैं कैसे लिख पाता हूं क्योंकि हम जैसे ही ऑफ को मल्टी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते ये उलट जाता है जो दो बटे वो एक बटे दो हो गया तभी तो हम डायरेक्टली पांच बटे दो लिख पा रहे होते अरे बोलो भाई साहब क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया क्या अब क्वेश्चन आसान लग रहे हैं तो क्या हम एक और इससे भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करें जहां पे फ्रैक्शन में वर्णा कोलम आ जाता है फिर वहां क्या करोगे दादा अगर मेरे पास फ्रैक्शन में वर्णाकुलम आ जाएगा अब मैं यहां कैसे क्या कर पाऊंगा सोचो जरा सा नौ बटे बीस माइनस एक बटे पांच प्लस ऐसे करते करते वर्णाकुलम में लिखा हुआ वन बाई थ्री प्लस वन बाई टू सोचो जरा सा क्या यह बहुत बड़ा तोप है जो इस जन्म में सॉल्व कर पाना मुश्किल सा लग रहा है नहीं है तो फिर सॉल्व करो मेरे भाई ओके okay है बढ़िया बात है हाँ समझो मैंने कहा था वर्ना कुलम देखते ही जो इनके बीच में साइन लगा होगा उसके हिसाब से क्वेश्चन को निपटा दो मतलब एक बटे तीन और एक बटे दो को जोड़ लो वरना कुलम को देखते ही कुछ भी नहीं करना है अब यहां पे आ जाएगा तीन और दो पांच बटे छ आएगा और जैसे ही ये पूरा मिला के पांच बट्टे छ आएगा आगे खुद पांच बटे छह लिखा है तो ये कट के जीरो हो जाएगा मतलब इस पूरे स्टेप का कोई मतलब ही नहीं था अब आ गया अब बचा क्या इसके साथ जीरो होगा तो कोई मतलब नहीं एक बटे पांच और एक बटे चार पांच और चार नौ और नीचे आ गया बीस ये भी नौ बट्टे बीस आ गया और आगे नौ बट्टे बीस माइनस हो रहा है तो आंसर जीरो आ गया ऑप्शन नंबर सी क्या सभी को थोड़ा मोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे सिंप्लीफिकेशन का जो सिंपल वाली चीजें है वो समझ में आ रहा है बिल्कुल ही आ रहा है सर कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है समझ पा रहे हैं ठीक है अब हम अगली चीज पे आते हैं सिंप्लीफिकेशन के इस वाले क्वेश्चन पे चलो करो भाई साहब पच्चीस गुड़े चौबीस ये गुड़ा लिखा हुआ है ठीक है इसको और कुछ मत समझ लीजिएगा एक्स वगैरह नहीं लिखा हुआ मल्टीप्लाई का साइन है ठीक बताइए इस क्वेश्चन को चलो पांच किसी बच्चों का आना शुरू हुआ अच्छा पचपन कह रहे हो पचपन आ रहा है वाकई सॉल्व कर पा रहे हैं हम इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, है। पहले -पहले साठ को डिवाइड कर लो तो चार आ जाएगा और यहां करोगे तो बारह बारह पांच और चार सोलह आ जाएगा ठीक है दोनों को प्लस कर लो नीचे का मामला क्लियर हो गया ऊपर सबसे पहले भैया मल्टीप्लाई कर लो तो पच्चीस चौका सौ दस आ गया पच्चीस दूनी पचास और दस साठ छह सौ आ गया प्लस अट्ठाइस दायन दुई सौ अस्सी आठ सौ अस्सी डिवाइड बाई 16. तो सोला तो सोलह से काटा सोलह पचास आठ बचा सोलह पचास कितना आसान क्वेश्चन था और पचपन देखो बाइस आ रहा दिलीप कहां है ध्यान है ना भाई दिलीप बाइस नहीं आएगा पचपन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन पचपन बिल्कुल सही हो जाएगा क्या सभी जनता को ये क्वेश्चंस का आंसर एकदम कंप्लीटली आ गया अगले पे आ जाओ अब इस क्वेश्चंस के भी कई रूप होते हैं लेकिन अगर हम बात करेंगे अपने यूपी ट्रिपल प्लससी में तो सिर्फ एक ही रूप पे क्वेश्चन आया है अभी तक जितने भी पेपर हुए लेकिन फिर भी मैं आपको सारे टाइप्स भी करा दूंगा इसमें जो भी और आते रहते हैं ताकि आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े ठीक है चलिए ग्यारह अठे था अठासी अठासी में से दस घटाओगे तो अठहत्तर बटे ग्यारह आएगा और जैसे ही अठहत्तर बटे ग्यारह में देखूंगा तो ये ग्यारह ऊपर चला जाएगा और अठहत्तर इसके साथ आ जाएगा है ना सिंपल बात है अच्छा तो ये अब बन गया पांच प्लस आठ प्लस छह गुड़े बटे अठहत्तर सॉल्व कर लो जरा छह 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 से भाई 6 करम, 6 एक सात आ जाएगा यानी पांच आठ प्लस ग्यारह बटे तेरह तेरह अठे एक सौ चार एक सौ चार और दस एक सौ चौदह और एक सौ पंद्रह आ गया तो पांच अपान एक सौ पंद्रह बटे तेरह हमारे लिए ऊपर चला गया पांच से काटोगे पांच दुनी दस पांच तीन पंद्रह तेरह बटे तेईस ऑप्शन नंबर ए आ गया ठीक है तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि मुझे लगता है कि आप में से हर बच्चा इस क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर रहा था और कोई भी बहुत बड़ा ऐसा नहीं था कि जो आप इस क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे ठीक है तेरह बटे देख लीजिए एक बार Clear है मोहम्मद औसाफ एकदम क्लियर भैया तेरह बटे तीस ठीक अब आइए और समझते हैं इस वाले क्वेश्चंस के और कितने रूप हैं समझो जरा सा जैसे ऐसे भी आ जाता वन प्लस ये आ गया बताइए इसका आंसर क्या आएगा? है।, है बड़ा आसान सा बस हम थोड़ा सा देख के इसलिए डर जाते हैं ना क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा लेंथी कर दिया वन प्लस ऐसे करते करते फिर दो बटे तीन आया अब इतना लेंथी कर देगा तो भाई कैसे कर पाओगे है ना सोचना तो पड़ेगा ही लेकिन फिर भी सोचो और बताओ कुछ प्लान है आपके बारे में तो बताइए भाई कि क्या सोचा इस क्वेश्चन के लिए या कैसे कर पाओगे ये वाला क्वेश्चन चलो भाई समझो देखो कुछ भी नहीं करना आपको देखो सिंपल सी कई सारी चीजें पता होती हैं कि जैसे मान लो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो तीन एक कम तीन और दो तो पांच बटे तीन आएगा पांच बटे तीन फिर ये तीन ऊपर चला जाएगा मतलब एक्चुअली में तीन बटे पांच के रूप में इसे हम सॉल्व करते हैं है ना अब देखो कैसे करोगे सबसे पहला तरीका सबसे नीचे से आ जाओ क्या लिखा है वन प्लस टू बाई थ्री और फिर यहां पर एक पन वन प्लस लिखा है यहां पर एक वन प्लस लिखा है और यहां पे एक वन प्लस लिखा ठीक है इसको करोगे तो तीन एकम तीन और दो पांच बटे तीन आएगा तो इसको उल्टा कर लो पांच एक नम पांच और तीन आठ बटे पांच आएगा तो फिर इसको उल्टा कर लो आठ एक नम आठ और आप पांच तेरह बटे आठ आएगा तो फिर इसको उल्टा कर लो तेरह कनम तेरह और आठ इक्कीस बटे तेरह यही जिसका आंसर आएगा वही विजेता कहलाएगा इक्कीस बटे तेरह आएगा ना ही इक्कीस बटे पांच और ना ही कुछ और ठीक है इक्कीस बटे इधर इस राइट आंसर दिस क्वेश्चन चलो भैया इक्कीस बटे तेरा ये तरीका सबको समझ में आया एक बार और समझते हैं अब यहां चाहे प्लस लिखा हो चाहे माइनस लिखा हो ऐसे कर लेंगे अपने हिसाब से यहां मैंने लिखा थ्री बाई फोर बताइए आया ठीक है आप समझो घबराना बिल्कुल भी नहीं ऐसे क्वेश्चन से सिर्फ सॉल्व करने की कोशिश करना अपने आप हो जाएगा वन प्लस थ्री बाई फोर अब कितनी बार वन प्लस एक दो तीन चार चार बार वन प्लस लिख दो अब चार क्रम चार और तीन सात बटे चार लेकिन ये उलट जाता था तो मैं यहां पे चार बटे सात लिखूंगा सात एक नौ ग्यारह लिखूंगा अट्ठारह बटे ग्यारह तो मैं इसको ग्यारह बटे अठारह लिखूंगा उनतीस बटे अठारह तो मैं उन अठारह बटे उनतीस लिखूंगा उनतीस एक नम उन्तीस और अठारह सैतालीस बटे उनतीस आ रहा है आया भैया इसका आंसर सभी पक्का है है एकदम क्लियर चलो तो ऐसे इस क्वेश्चंस को करते हैं सिंपल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ठीक है आइए सैतालीस बटे होना इस करना बहुत कठिन नहीं है कि बहुत सारा तो ऐसा है क्या आप नहीं कर पाओगे बसरते थोड़ा सा बेसिक चीजों को ध्यान रखिएगा अपने आप कर ले जाओगे चलो इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं बिल्कुल गंगोत्री चलो भाई पहला नंबर सिस्टम की क्लास पूरी हो गई रवि रवि बच्चा ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम का ही तो पार्ट है दादा कहां से और आ जाएगा ये सबसे बड़ा कौन सा होगा सबसे बड़ा रुपया है ठीक है चलो पढ़ते हैं और बताओ क्या लगता है जनता को बी आएगा तीन की पावर दो की पावर दो की पावर दो, की पावर दो। यही आएगा देखो कुछ भी उपाय बन रहा हो तो बताइए चलो समझते हैं कैसे करेंगे देखो जरा इस पे ध्यान दो, दो की पावर दो का मतलब चार होता है और दो की पावर चार का मतलब सोलह होता और यानी ये तीन की पावर सोलह लिखा है तीन का स्क्वायर मतलब नौ हो गया नौ का स्क्वायर मतलब इक्यासी है इक्यासी का स्क्वायर लिखा हुआ है ठीक दो दुनिया चार दुनी आठ ये तीन की पावर आठ लिखा हुआ है और ये तीन हजार दो सौ बाईस लिखा हुआ है अब आप एक चीज बताओ ये तो छोटा है सीधी सी बात है ये भी छोटा है सीधी सी बात है या तो इक्यासी का स्क्वायर या तो तीन की पावर सोलह क्या लगता है दुनिया को कोई बड़ा कौन सा होगा सीधी सी बात है इक्यासी का स्क्वायर इज इस द लार्जेस्ट सबसे बड़ा होगा कि तीन की पावर सोलह चाहे जितना भी कर लो आएगा छोटा ही ओके है नोट कर लीजिए और बाकी सिंप्लीफिकेशन में अब हम कल पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन बहुत सारी चीजें हैं नंबर सिस्टम एक्चुअली में बहुत बड़ा पार्ट है मैं धीरे धीरे करके पढ़ा रहा हूं जब तक ये पाठ्यक्रम नहीं आता और जैसे ही पाठ्यक्रम आएगा हम बहुत स्पीड से बूस्टअप करके क्लासेस लगातार चला के लगातार प्रैक्टिस करा करा के रिवीजन करा के बढ़िया तरीके से करेंगे ठीक है एकदम भी आपको पछतावा नहीं होने वाला और वैसे भी नहीं होगा क्योंकि इतनी बेस्ट फैकल्टी क्या सभी को यूपीजी के समझ में आ रहा है मोहम्मद औसाफ गंगोत्री राम कृष्ण कुमार वर्मा जी यूपीजी के क्या एकदम बढ़िया एकदम क्लियर लग रहा है अच्छा क्या सभी को जो ग्रामीण परिवेश है अब बढ़िया आज ग्रामीण परिवेश से क्लास नहीं चलेगी अभी आपको नोटिफिकेशन थोड़ी देर में आ जाएगा सर की तबियत एक्चुअली में बहुत ज्यादा खराब है उनके एक फ्रेंड थे उनकी जो है उनका लड़का था फ्रेंड के दोस्त उनका उनके एक फ्रेंड तो उनका लड़का था बहुत अच्छा भी यंग था वही जो है बच्चा वो एक्सपायर हो गया था तो सर लोग उसी में कहते हैं ठंडी में आपको पता कि जाना फिर नदी में नहाना तबियत तो वैसे भी खराब हो जाता जाती उनकी बहुत ज्यादा तबियत खराब हुई सर आए भी थे थोड़ी देर पहले तो फिर वो रिकॉर्डिंग कर दे लेकिन वो खड़े होने की भी हालत में नहीं थे तो हमने कहा सर जाइए रिकॉर्डिंग बाद में कर लीजिएगा अच्छा और पॉलिटी की क्लास भी आपके लिए आज चलने लगा पॉलिटी की भी जबरदस्त क्लास चल रही है देखो जो विवेक सर आपको ग्रामीण प्रवेश और यूपीजी पहला ग्रामीण प्रवेश दूसरा यूपी जी के और तीसरा हिंदी लेकिन हिंदी के हमारे पास अलग से एक एक्सपर्ट है जो कि कृष्णा सर है तो इस वजह से जो आपके पास विवेक सर है वो सिर्फ ग्रामीण प्रवेश और आपके लिए यूपीजी के लेकर चलेंगे हाँ जो कॉमन चैप्टर है बिल्कुल अब है वो मैं चलाता रहूंगा मतलब आपको पूरी क्लासेस जबरदस्त लग रही है मजा आ रहा है बस इस कॉन्टिन्यूटी को मत तोड़िएगा है। है जो भी ऐसे आज आठ बजे क्लास नहीं है तो अब आप क्या करोगे आठ बजे क्या घूमने चले जाओगे नहीं ना क्लास नहीं है तो जितना चीज ग्रामीण प्रदेश में पढ़ाया गया उसकी पीडीएफ निकालिए और सब रिवाइज कर डालिए डाउनलोड करिए नोट्स बनाइए सब रिवाइज कर डालिए ठीक है तो समय को बर्बाद नहीं करना उस टाइम पे कल मैं एक और भी नए चैप्टर के साथ मिलूंगा आपसे होगा सिंप्लीफिकेशन के बाद का डेसिमल फ्रैक्शन हो सकता है कोई सा भी चैप्टर होगा जरूर से जरूर लाइव रहिएगा और जब हम प्रैक्टिस सीट आपको दे रहे होंगे तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी करिएगा ठीक है हां हिंदी के कृष्णा सर से ही पढ़ेंगे चलिए शुक्रिया थैंक यू सो मच बाय बाय गुड नाइट टेक केयर हां बिल्कुल थैंक यू सो मच गाइस